फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वैकेंसी की वार्तालाप। स्टूडियो में बात करेंगे झारखंड कर्मचारी आयोग की तरफ से आपके आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए एक वैकेंसी निकाली गई है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें हम बात करेंगे कितनी पोस्ट निकाली गई। तो 737 प्लस आपके इसमें पोस्ट निकाली गई जिसके लिए आईटीआई अनुदेशक बनने के लिए जो आपकी पोस्ट है, इसका सिलेबस क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो सारी ये विवरणी का यहाँ पर इन्होंने दी गई है। तो जैसे इस पे आओगे आप विज्ञापन संख्या 17/2/2022, तो इसके अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये पूरा इन्होंने नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया जो 138 पेजों का यूनानी है। और आज की डेट में जो नोटिस निकाला गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पे नोटिस निकाला गया आज की डेट में 29 तारीख की डेट में, आप देख सकते हो 29/9 की डेट में नोटिस निकाला गया है। झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रायोगिक परीक्षा यहाँ पे आप देख सकते हो 26 आपके इसमें रिक्तियाँ यहाँ पे देख सकते हो, 26 ब्लॉक में आपकी रिक्तियाँ निकाली गई है। 18/10 से आप इसमें आवेदन यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर डेट दी गई है 18 तारीख से आवेदन कर सकते हो। तो बात करते हैं इसके फुल डिटेल नोटिफिकेशन की कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेबस, सब कुछ चीज़ें। सबसे पहले बात करें तो परीक्षा का शुल्क क्या रहने वाला है, तो मात्र इसमें आपके 100 रुपये आपके चार्ज लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मात्र 100 रुपये आपके इसमें चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद में आगे बात करें तो इसमें कितनी कितनी पोस्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपके आईटीआई इंस्ट्रक्टर कोपा के लिए दी गई है, तो कोपा के लिए यहाँ पे पोस्ट देख सकते हो कितनी पोस्ट इसमें दी गई है। तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे पोस्ट है महिलाओं के लिए भी, कुल की बात करते हैं 4 पोस्ट इसमें दी गई है। तो कुल योग करोगे तो यहाँ पे महिलाओं के लिए भी अलग अलग यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो टोटल पोस्ट की बात करें कोपा में यहाँ पे 4 पोस्ट आई है। उसके बाद यहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में 8 पोस्ट आई है। तो अपनी जो भी ट्रेड है उसके अनुसार यहाँ पे देख लेना। उसके बाद में सिल्क वर्क यहाँ पे शीट मेटल वर्कर में आपके 2 पोस्ट है। उसके बाद में यहाँ पे फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपके 6 पोस्ट दी गई है जो आपके प्रशिक्षण अधिकारी है उसके लिए। फैशन टेक्नोलॉजी एंड फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में आपके टोटल 14 पोस्ट आई है। उस यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप इसको देख लेना इसका पूरा नोटिफिकेशन। उसके बाद बेसिक टेक्नोलॉजी में आपके 4 पोस्ट है, सॉरी 6 पोस्ट है। उसके बाद में शेविंग टेक्नोलॉजी एंड कटिंग एंड टेलरिंग में आपके 10 पोस्ट है। मैकेनिकल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में आपके टोटल जो दी गई है 8 पोस्ट इसमें आपके निकाली गई है। उसके बाद में आगे बात करें तो यहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल की है, तो यहाँ पे 6 पोस्ट टोटल इसमें निकाली गई है। उसके बाद में यहाँ पर देखें तो मैकेनिक मोटर व्हीकल में आपके 14 पोस्ट इसमें निकाली गई कैटेगरी वाइज, इनको आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद में अगली बात करते हैं यहाँ पे जो टर्नर वाली पोस्ट है, तो टर्नर के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 26 पोस्ट इसमें टर्नर के लिए निकाली गई जो आपके आईटीआई इंस्ट्रक्टर टर्नर है उसके पोस्ट के लिए। उसके बाद में मशीनिस्ट की बात करें, मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 2 पोस्ट निकाली गई है देख सकते हो। उसके बाद में अगली बात करें तो यहाँ पर वायरमैन की बात करें तो 8 पोस्ट आपके वायरमैन के लिए भी निकाली गई है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद मशीनिस्ट में भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, यहाँ पर 20 पोस्ट आपके मशीनिस्ट में भी निकाली गई है जिसको आप देख सकते हो। उसके बाद में प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर के लिए भी आपके 10 पोस्ट है। उसके बाद में अगले बात करें मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए भी 2 पोस्ट है। सर्वेयर की बात करें तो यहाँ पर सर्वेयर से आईटीआई की यहाँ पे आईटीआई इंस्ट्रक्टर उसके लिए 10 पोस्ट दी गई है। मैकेनिकल डीजल के लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है अभी तक, तो यहाँ आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा अभी तक देखने को मिल रही है मैकेनिकल डीजल के लिए। उसके बाद वेल्डर के लिए भी आप देख सकते हो, प्रशिक्षण वेल्डर के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 60 पोस्ट इसमें दी गई है प्रशिक्षण वेल्डर के लिए भी, तो यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छी पोस्ट इसमें दी गई है। उसके बाद मैकेनिकल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 34 पोस्ट आपके इसके लिए भी दी गई है कैटेगरी वाइज, इनको आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रशिक्षण अधिकारी फीटर की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा अभी तक देख सकते हो कि 122 पोस्ट निकाली गई है फीटर के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हो जो फीटर वाले कैंडिडेट हैं। उसके बाद विद्युत की बात करें तो इसमें भी आपके इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर अनरिजर्व की 53 दी गई है, अनुसूचित जनजाति की यहाँ पर 35 दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 133 यहाँ पे आपकी पोस्ट निकाली गई है जो आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से यहाँ पे काफ़ी अच्छी पोस्ट है, सबसे ज़्यादा इसी ट्रेड से निकाली गई है। उसके बाद में फीटर, उसके बाद गणित की बात करें गणित के लिए 74 है। उसके बाद ड्राइंग के लिए यहाँ पे देख सकते हो 78 है, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे टीचर होते हैं इनके ही होते हैं इसलिए इनकी पोस्ट ज़्यादा है। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे कारपेंटर के लिए 2 पोस्ट है। टोटल बात करें तो यहाँ पे टोटल जो पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी 25 अधिकारी के लिए, मोल्डर और या फाउंड्री मैन के लिए यहाँ पे 700 यहाँ पे देख सकते हो कि 708 पोस्ट निकाली गई है। टोटल की बात करें 711 पोस्ट इसमें दी गई है, और ये अगर इनको भी मिला लोगे तो यहाँ पर जो अगला दी गई है महिलाओं के लिए
तो यहाँ पे महिलाओं के लिए भी यहाँ पे दिया गया है अलग से आरक्षण। तो महिलाओं के लिए टोटल 27 है, उसके बाद 12 है 6 है, तो इनको टोटल कर लोगे तो आपके 437 पोस्ट आपके इसमें टोटल निकल के आइए। टोटल आपके 26 इसमें ट्रेड है आईटीआई ट्रेड है, उनके लिए यहाँ पे इनको आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जरूरत है, उसके लिए यहाँ पे रिक्तियाँ निकाली। कटौती यहाँ आप देख सकते हो, रिक्तियों को बढ़ाया घटाया जा सकता है, इन्होंने ऐसा कह दिया है। ये पहले आपके वैकेंसी निकली थी पर इसको रद्द कर दिया गया था, इसको वापस लेके आए हैं। वेतन की बात करें और उसके बाद इसमें कौन कौन केस के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले शिक्षण योग्यता देखें, जैसा कि आप इसमें दिया है। कॉपर व्यवसाय में एनटीसी यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो कॉपर व्यवसाय में यानी कॉपर ट्रेड में एनटीसी यानी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और एनएसी यानी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। एनटीसी तो आपके आईटीआई हो गया, ठीक है, उसके बाद एनएसी हो गया आपके नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। उत्तीर्ण हो केंद्र सरकार राज्य सरकार मान्यता द्वारा संबंध में प्राप्त किसी भी संस्थान से हो और विषय में 3 साल का वर्षीय अनुभव, मतलब या 3 साल का अनुभव मांगा गया है, या देख सकते हो कि आपके पास ये है तो यहाँ पर चल जाएगा। 3 साल का इसमें अनुभव यहाँ पे मांगा गया है विषय में, या देख सकते हो या विषय में आपके 3 साल का अनुभव होना चाहिए या आईटीआई कर रखिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आगे बात करें तो मान्यता प्राप्त किसी डिजिटल से आईटी में डिग्री कर रखी है आपने, तो डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं इसमें। उसके बाद में आए यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर मानव संसाधन उत्तीर्ण संस्थान में आपने मान्यता से प्रशिक्षण विषय में 1 वर्ष का अनुभव ले रखा है, तो आईटी में अगर आपने 1 साल का अनुभव ले रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। कोपा की बात कर रहा हूँ, सैलरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी दी गई है। तो सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपका लेवल 6 का पेमेंट रहेगा, यानी 35,000 से लेकर 1,20,000 तक आपकी इसकी सैलरी जाने वाली, तो 1,22,000 तक सैलरी जाने वाली, 12,400 तक सैलरी, तो काफ़ी शानदार इसमें दी गई है। और आपने अगर ये नहीं कर रखा था पीजीडीसी का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हो। और सबसे जो यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ मांगी गई है कि आपके पास CTIS सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसे NNC भी कहते हैं, नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट भी जिसे कहा जाता है। किसी भी यहाँ पे जो रिलेवेंट ट्रेड है आपके, वो जो डीजीटी संस्थान से आपके इशू होना चाहिए। तो यहाँ सबसे मेन चीज़ तो ये है कि इसमें सभी पोस्ट के लिए आपके ये मांगा गया है। बाकी आपने आईटीआई कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो, आपने डिग्री कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो डिग्री, उसके बाद में आपने अनुभव ले रखा है उसमें ट्रेड में तो यहाँ अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा वाला भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि उच्च स्तर से आपने बी लेवल का उत्तीर्ण यहाँ पे जो पास कर रखा है वो यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में आगे बात करें तो सभी के लिए वही दे रखा है इसमें, डीजीटी संस्थान से आपको प्राप्त होना चाहिए। सबसे जो मेन चीज़ इसमें दी गई है वो है आजकल की जितनी भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी उनमें सभी में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, अनिवार्य योग्यता आपके पास कुछ होना हो ये होना चाहिए, रिलेवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट यानी NCIC होना चाहिए, जैसे आप CTIS भी कहते हो, तो CTIS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जिसने CTIS नहीं किया वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, सीधी सी बात ये है। उसके बाद आगे चीज़ें देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन आप अपनी पोस्ट के अनुसार इसमें देख सकते हो, वही सेम क्वालिफिकेशन है सभी के लिए। तो यहाँ फिटर की बात करें तो फिटर में भी वही चीज़ें मांगी गई है इसमें, किसी मान्यता प्राप्त से आप UGC यानी अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग होने चाहिए, यानी डिग्री कर रखी आपने तो इंजीनियरिंग यहाँ पर चल जाएगी। और अगर आपने उत्तीर्ण राज्य सरकार द्वारा और संबंध में प्राप्त यानी अदर कैटेगरी मतलब अदर स्टेट वाले इसमें भर सकते हैं, राज्य सरकार यहाँ देख सकते हो, राज्य या केंद्र सरकार दोनों चल जाएगा। और पाकिस्तान संबंधित शिक्षा क्षेत्र का 1 वर्षीय अनुभव भी इसमें चलेगा आपके, और बाकी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। पर जो अनिवार्य योग्यता है वो आपके इसमें वही दी गई है जो मैंने आपको बताया है कि आपको इसमें NCTIS सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री डिप्लोमा आपने जो भी कर रखा है यहाँ पे देख सकते हो। जो यहाँ पे विद्युत वाली पोस्ट है, यहाँ पे विद्युत वाली का मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में आपने देख सकते हैं इंजीनियरिंग कर रखी है, तो यानी डिग्री हो गई आपके। और यहाँ पर डिप्लोमा देख सकते हो, डिप्लोमा तो आपने डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। या फिर आपने देख सकते हो इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय में NTC यानी आप जो आपके आईटीआई कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने अप्रेंटिस कर रखी है यानी NSC कर रखी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी इसमें अनुभव 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, और बाकी चीज़ें वही सेम दी गई। तो अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग देख सकते हो। आगे की बात करें तो इसमें निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा झारखंड राज्य के अवस्थित मान्य प्राप्त उत्तीर्ण होना चाहिए अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थक स्थान रीति रिवाज यानी इसमें, परंतु ये है कि झारखंड के राज्य की आरक्षित नीति है, आरक्षित विद्यार्थियों के मामले में झारखंड के अनुचित मान्यता के साथ प्रावधान धतिल रहेगा।
तो इसमें जो यहाँ पे कहा गया है कि मतलब इसमें जो साफ साफ यहाँ पे चीज़ कही गई है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सभी विद्यार्थियों के लिए, इसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कंडिका यहाँ पे 6A में दे रखा है, निर्धारित योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को 10वीं कक्षा झारखंड राज्य से पास होना चाहिए, मतलब झारखंड वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उचित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उत्तीर्ण होना चाहिए अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज का, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, परिवेश का ज्ञान होना चाहिए। परंतु ये है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से अशिक्षित अभ्यर्थी के मामले में झारखंड राज्य के अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता संस्थान 10वीं उत्तीर्ण होना संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। मतलब इसमें सिर्फ स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले नहीं अप्लाई कर। अभ्यर्थियों का आयोग आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि वंचित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ही आवेदन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आप अगर अदर स्टेट से हो तो शायद इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एज तो वही आपके 35 साल रखी गई, तो एज तो काफ़ी अच्छी रखी क्योंकि एक्सपीरियंस भी मांगा है, तो इसमें एक्सपीरियंस के लिए तो इतनी एज तो ये रखेंगे ही सही। बाकी देख सकते हो 25 138 पेज का पूरी विवरण ली है, जो मेन मेन पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। पर्दों का सीबीटी एग्जाम होगा, यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी, 3 लिखित परीक्षा में अंतर्गत 3 पत्र होंगे आपके, 3 प्रश्न पत्र होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले तो आपको विषय का ज्ञान होगा, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के 25 25 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 50 क्वेश्चन तो यही हो गए 50 नंबर के। उसके बाद झारखंड का संबंधित यानी झारखंड जीके आ जाएगा, जीके झारखंड जीके का यहाँ पे 30 नंबर है। सामान्य साइंस आपके 10 नंबर की है, उसके बाद गणित 10 नंबर की है, मानसिक यानी रीजनिंग 10 नंबर की है, कंप्यूटर का ज्ञान 10 नंबर की। टोटल जो फर्स्ट भाग होगा उसमें आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे, जिसको आप हल करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको टाइम भी दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये क्वालिफाइंग में होगा सिर्फ, यानी जो आपका पहला पेपर है, पहला जो सब्जेक्ट दे रखा है विषय, वो सिर्फ आप क्वालिफाइंग नेचर, इसमें सिर्फ आपको पास होना है, न्यूनतम मार्क्स ला के भी अगर पास हो गए तो चल जाएगा। अगला जो दिया गया है आपके ट्रेड से रिलेटेड है, इसमें देख सकते हो जो विषय चयनित क्षेत्रों को जनजातियों को, यहाँ पे आपका जो विषय है उसके उसके यहाँ पे उर्दू हो, सांतली हो, बांग्ला हो, मंडरा हो या खंडिया हो, जो भाषा दी गई है ना उसका आपके 100 नंबर का पेपर होगा। मतलब भाषा से संबंधित आपको ज्ञान होना चाहिए, जो आपके CBT होगा पेपर, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें आपके लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न टेस्ट है, जो पहला है वो तो आपके रिटर्न होगा, यहाँ पे देख सकते हो रिटर्न, यहाँ पे इन्होंने कहा लिखित परीक्षा होगी आपकी लिखित, तो लिखित परीक्षा सभी वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होंगे, यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे वस्तुनिष्ठ और बहु विकल्प के आपके प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्ट टाइम भी ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपके इसमें प्रश्न होंगे, और 2 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पेपर आपके भाषा से संबंधित होगा, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पेपर है यहाँ पे आपके वो होगा, यहाँ पे आपके विषय का ज्ञान, तकनीकी ज्ञान होगा, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आपके पाठ्यक्रम जो DGT की यानी उन्होंने साइड भी दे दी है, इस साइड पे जो आपके CTIS का जो मतलब भारत स्किल पे भी आपको देखने को मिल जाएगी, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, तो आप अपना सिलेबस इसमें डाउनलोड कर सकते हो, यही आपके पूछा जाएगा इसमें, और कुछ इसमें नहीं पूछा जाएगा। जो आए आपके इसमें डिप्लोमा चाहे ITI जिस पोस्ट के लिए भी आप लड़ाई करोगे तो उसको वो होना चाहिए, बस टेक्निकल नॉलेज में वही पूछा जाएगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते 30% मार्क्स लाना है तो कोई भी लगेगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। उसके बाद में आगे बात करें तो इसमें आपके जो अगली चीज़ें दी गई है उनको मैं आपको बता देता हूँ, मेन मेन पॉइंट। ये आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे अलग अलग का, अलग अलग इसमें दिया गया है, और बाकी की चीज़ें यहाँ पे ये फुल डिटेल सिलेबस दे रखा है, इसको आप देख सकते हो, ये पूरा डिटेल सिलेबस इसमें दिया गया है, जिसको आप देख सकते हो। सामान्य अध्ययन का कितना है, उसके बाद में साइंस का क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर गणित का क्या क्या आएगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, क्या क्या इसमें दिया गया है। मानसिक योग्यता में आपका फुल सिलेबस है, उसके कंप्यूटर का फुल सिलेबस, झारखंड का में क्या क्या पूछा जाएगा, उसके बाद में उर्दू में क्या क्या है, तो उर्दू का देख सकते हो पोएम्स है, अच्छा तो ग्रामर है, सांतली है, तो अलग अलग बंगला है, बंगला में क्या क्या पूछा जाएगा, मुंडोरा में क्या क्या पूछा जाएगा, तो ये पूरे आपके इसमें दिए गए। उसके बाद में नागरी जो शायद जितनी मतलब भाषाएं हैं, एक भाषा आपको चूज़ करनी होगी। उसके बाद में आगे बात करें तो अगर आप कोपा के लिए अप्लाई करोगे, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसे बोलते हैं कोपा, तो ये कोपा का फुल सिलेबस दिया गया है, जिसको आप देख सकते हो क्या क्या पूछा जाएगा कोपा में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में क्या क्या पूछा जाएगा, इस तरीके से पूरा डिटेल इन्होंने सिलेबस दिया गया, जिसको आप देख सकते हो जिस ट्रेड से आप रिलेवेंट करते हो। इसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा सिलेबस के ऊपर भी, और इसका फॉर्म भर के मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकते, जब 18 तारीख से इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे 18 अक्टूबर से, 18 का दे रखा है। उसके बाद में आगे बात करें तो यहाँ पे
ये आपके वायरमैन आ गया, और उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा पोस्ट में दी गई है मशीनिस्ट आ गया, उसके बाद में फिटर और इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पे प्लम्बर है, और उसके बाद में मैकेनिकल ट्रैक्टर आ गया। तो ऐसे तरीके से 138 पेज इस तरीके से इसके दिए गए सर्वेयर का आ गया। तो इस तरीके से आपको सारा देख लेना है, वेल्डर उसके बाद में फिटर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फिटर का पूरा पोस्ट दे रखा है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी की दी गई है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद में जो अगला दिया गया है वो है आपके इलेक्ट्रिशियन आएगा अब इसके बाद में। तो देख सकते हैं फीडर का भी वही पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूछ जाएगी, ये आपके इलेक्ट्रिशियन का है। सबसे पहले अलाइनमेंट ट्रेड यानी जो आपके ट्रेड सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेड से, उसके बाद टूल्स आ जाएंगे, अंडरग्राउंड केबल्स है, ब्रेक सर्किट है, सिस्टम है, डिस्क ब्रेक ऑपरेटिंग सारे, मतलब पूरी थ्योरी इसमें आपके पूछी जाएगी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये 138 पेज इसमें आप देख सकते हो। इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस दिया गया तो इसको आप देख सकते हो। तो जब से जब इसके 18 तारीख से फॉर्म अप्लाई होंगे तो जब मैं आपको बता दूंगा फॉर्म भर के, तो चैनल पर नया चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको ऐसी अपडेट मिलती रहे। इसकी पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपकी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से देख सकते हो। तो यही था इस वीडियो में।